उसको लाभ मिले, जो भी सरकारी योजना है या जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है विद्यालय में, तो उसमें कहता है क्या कि आपके विद्यालय की जो छात्र संख्या है उस छात्र संख्या के अनुसार हमको तय करना है उनकी सहभागिता। SC ST और जो एमएनडीटी या OBC के वर्ग जो आते हैं, तो आपका ये जो विद्यालय है उसमें SC और ST की छात्र संख्याओं की संख्या अधिक है, तो ये प्रतिशत के आधार पर निकाल करके देखा गया है, उसमें जो निकाले हैं इसमें जो है तो SC से 3 महिला को लेना है आपको SC, और ST से 2 लेना है। छात्र संख्या चूंकि ST की ज्यादा है आपके विद्यालय में, और एक मिनोरिटी से आप लेना है महिला को, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो 3, 2, 5 और 1, 6 हो जाते हैं, और बाकी जो 6 बच जाते हैं उसमें आपको चयन करना है, वो महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं। उसमें SC से छात्र संख्या के आधार पर ये कैटेगरी किया हुआ है, 2 ST से 2 और 1 OBC या माइनॉरिटी से 1 और 1 आपको सामान्य से भी आप ले सकते हैं। तो ये 2, 2, 4, 1, 5, 6 ऐसे होते हैं, 6 और 6, 12 हो जाते हैं। तो ये 12 का आपको सर्वसम्मति से अगर कुछ बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो चुनाव का जो प्रक्रिया होता है सभा में, जैसे प्रस्तावक होते हैं, समर्थक होते हैं, उस तरह से आप लोग चुनकर देखिए। मेरा उद्देश्य इस विद्यालय के प्रधान होने के नाते मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपके बच्चे जो इस विद्यालय में 5 घंटा से 6 घंटा बिताते हैं उनका भरपूर हित, उनका फायदा उनके लिए हम कर सकें, ऐसा हम लोग का मानना है, और हम लोग इसी विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमसे बहुत कम आदमी परिचित होंगे, धीरे धीरे 1 साल से अधिक मेरा हो भी गया यहाँ पर, कैसा काम कर रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी साहिब जी ने कहा कि आप हमारी कमियों को बताएं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं एकदम तुरंत जादू का छड़ी से आपको पूरा बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उत्तरोत्तर विकास हो रहा है कि नहीं, उसमें आपकी सहभागिता चाहिए। के माता पिता को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सदस्यों में से न्यूनतम 6 सदस्य महिलाएं हैं, 6 सदस्य महिलाएं करना। उप समिति के सदस्य संख्या का शेष 25% यथा 4 न्यूनत होंगे। स्थानीय प्राधिकार का एक निर्वाचित सदस्य, माने स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें से एक, थोड़ा समझ नहीं समझ पाए, विद्यालय का एक शिक्षक जो पढ़ रहे हैं कुछ नहीं बताया, मेन मेन नियमावली है, ये तो सब समझ गया इतना, पीछे जो कार्य कर रहा हो ठीक ठीक पढ़ते जाइए आप, और पीछे पूरा पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ना पूरा पढ़िएगा तब संक्षेप उसका मुख्य बात बताया। देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए, उप समिति के प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होगी। बैठक की कार्यवाही उप समिति के सदस्य संयोजक द्वारा विधिवत संचालित की जाएगी। कार्यवाही पंजी आम जनता के अवलोकन हेतु विद्यालय में उपलब्ध रहेगा। उप समिति निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम अधिकार अधिनियम उल्लेखित कार्यों का अतिरिक्त नियम कार्यों का निर्वाचन करेगी। अधिनियम में उल्लेखित बालक के अधिकारों एवं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता पिता, अभिभावकों के कर्तव्यों के संबंध में विद्यालय के आसपास की जनता को सरल ढंग से आप